नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजों में एडमिशन के लिए ई प्रवेश की जो सूचना है वो जारी कर दी है। यानी मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी जारी कर दी गई है। यानी जो भी स्टूडेंट मध्य प्रदेश के विभिन्न यूनिवर्सिटियों में के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए एडमिशन के लिए फॉर्म भरने की डेट आ गई है। यानी अगर आपका कोई भी कॉलेज है वहाँ पर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा ई प्रवेश के माध्यम से। उस संबंध में डेट आ गई है और चाहे आप स्नातक के प्रथम वर्ष में एडमिशन लेना चाह रहे हैं यानी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, या पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर या प्रथम वर्ष में, तो उसके लिए एडमिशन की जो है डेट आ गई है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये फॉर्म जो है आपको eprawesh.mponline.gov.in के माध्यम से भरना होगा। यानी ई प्रवेश के माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके बाद ही आप जो है किसी भी जो कॉलेज है वहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे। पूरी प्रोसेस उसके द्वारा होगी। इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो भी कॉलेज हैं वहाँ पर दो तरह से एडमिशन होगा। पहला ये कि अगर वो कॉलेज ऑटोनॉमस है तो वहाँ पर अपनी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन अगर वह कॉलेज डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से अटैच है और वो ऑटोनॉमस नहीं है, स्ववित्तीय या स्वशासी नहीं है, स्वशासी जो महाविद्यालय होते हैं यानी ऑटोनॉमस कॉलेज, उनमें प्रवेश की प्रक्रिया अलग हो सकती है, वो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जितने भी कॉलेजेस होंगे उनमें एडमिशन के लिए आपको ई प्रवेश के द्वारा ही आपको एडमिशन मिलेगा। तो आपको यहाँ से ही आपका रजिस्ट्रेशन करना है, अप्लाई करना है। और इसमें दूसरा ये है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर उस यूनिवर्सिटी में लेते हैं UTD में, तो उसके लिए अलग प्रोसेस होती है, तो उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है या यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ एडमिशन लेना है, तो उसकी एक अलग है, तो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये ई प्रवेश के माध्यम से आप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, उसके लिए मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने ये सूचना जारी कर दी है। अब इसमें आते हैं कि डेट्स क्या होंगी। तो सबसे पहले है ऑनलाइन पंजीयन एवं महाविद्यालय पाठ्यक्रम विषय समूह का विकल्प देना जो होगा, वो जो स्नातक स्तर के स्टूडेंट हैं उनके लिए हुआ प्रथम चरण। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट राउंड में भी आप फॉर्म भर सकते हैं, फिर है प्रथम CLC चरण, कॉलेज लेवल काउंसलिंग। CLC का मतलब होता है कॉलेज लेवल काउंसलिंग, यानी कि महाविद्यालय स्तर पर चयन, ठीक है। फिर दूसरा है CLC चरण, इस तरह से है। तीसरा CLC चरण है। तो इस तरह से अलग अलग चरण हैं, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसमें प्रथम चरण जो होगा, प्रथम चरण में जो आपको फॉर्म भरना है उसकी डेट शुरू होगी 17 मई 2022 से, लास्ट डेट रहेगी 30 मई 2022 तक, यानी लगभग 14 दिनों का आपको समय मिलेगा। और ये है स्नातक प्रथम वर्ष के। ध्यान रखिएगा, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के हैं ग्रेजुएशन में, BA BSc BCOM इस तरह के कोर्सेस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए 17 मई 2022 से लेकर 30 मई 2022 तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं जो स्नातकोत्तर है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन PG के, जो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए डेट है 18 मई 2022 से 31 मई 2022 तक, तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए, दोनों ही जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, UG और PG दोनों के लिए ये टाइम टेबल आ गया है। अब इसमें आते हैं ऑनलाइन दस्तावेजों का सत्यापन, आवेदकों को सत्यापन हेतु सहायता केंद्र हेल्प सेंटर। सहायता केंद्र यानी हेल्प सेंटर में जाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु जिन आवेदकों त्रुटि सुधार हेतु संदेश प्रेषित किया गया है उन्हें निकटतम सहायता केंद्र में उपस्थित होकर सुधार करवाना होगा। हेल्प सेंटर बनाए जाते हैं, आपको वहाँ पर जाके वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है,
तो फिर आपको सुधार करवाने के लिए जो कि नज़दीकी जो भी कॉलेज होता है आपको लिस्ट मिलेगी, तो वहाँ पर आप जाके जो है हेल्प सेंटर बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर जाके जो है आप करेक्शन करा सकते हैं। फॉर्म में अगर आपको करेक्शन कराना है तो फिर आपको हेल्प सेंटर जाना होगा, वहाँ से आप अपना फॉर्म करेक्ट करवा पाएंगे अगर आपके फॉर्म में कोई भी त्रुटि हो गई है, कोई भी गलत जानकारी दर्ज हो गई है। अब इसके लिए भी जो डेट है वो है 17 मई 2022 से लेकर 1 जून 2022 तक, और उसी तरह से स्नातकोत्तर के लिए है 18 मई 2022 से 2 जून 2022 तक। फिर आते हैं उसमें है प्रथम चरण के सीट आवंटन पत्र जारी करना एवं कट ऑफ की पोर्टल पर जानकारी प्रदर्शित करना, वो होगा 6 जून 2022 को स्नातक के लिए होगा और 7 जून 2022 को स्नातकोत्तर का। यानी जो भी आपका मेरिट लिस्ट है सब कुछ आपको दिख जाएगा 6 और 7 जून को, 6 जून को ग्रेजुएशन वालों का, 7 जून को पोस्ट ग्रेजुएशन वालों का। फिर उसके बाद है कि आवंटित महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश शुल्क का भुगतान करना एवं आवश्यक होने पर प्रवेश इच्छित महाविद्यालय में अपग्रेड का विकल्प करना। प्रवेश शुल्क का भुगतान किए जाना मान्य होगा, प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जाएगा। तो जो भी आपको कॉलेज मिलेगा वहाँ पर आपको क्या है ऑनलाइन उसका उसमें पेमेंट करना होगा, जो भी एडमिशन फीस वगैरह जमा करने की डेट होगी 6 जून 2022 से 11 जून 2022 तक, और पोस्ट ग्रेजुएशन में है 7 जून 2022 से लेकर 13 जून 2022 तक। फिर विद्यार्थियों द्वारा किए गए अपग्रेड विकल्प के आधार पर स्थान रिक्त होने पर दशम अपग्रेड महाविद्यालय आवंटित किया जाएगा। अपग्रेड की स्थिति में गुणों को आधार पर शेष आवकों आवंटन जारी किए जाएंगे और बाकी भी प्रोसेस होगी। अगर सीट बचता है तो फिर बाकी लोग को दिया जाएगा, ये सब प्रोसेस होंगी। फिर है अपग्रेड के रिक्त स्थानों पर आवंटित आवेदकों को आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश का भुगतान करना है। प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों को ही प्रवेश मान्य होगा, ठीक है। तो इस तरह से बाकी भी जो चरण चलेंगे उसमें है। फिर उसके बाद है प्रथम CLC चरण। CLC का मतलब कॉलेज लेवल काउंसलिंग, यानी कॉलेज स्तर पर चयन या कॉलेज लेवल पर भर्ती या कॉलेज लेवल पर एडमिशन। तो इसमें नवीन पंजीयन कर सकते हैं आप और महाविद्यालय का पाठ्यक्रम विकल्प समूह का विकल्प दे सकते हैं, ऑनलाइन आपको करना होगा। तो निकटतम जो है हेल्प सेंटर पे जाके आपको त्रुटि सुधार करना होगा। तो दूसरे प्रथम चरण जो CLC होगा उसकी डेट होगी, इसमें आप नवीन पंजीयन कर सकते हैं, तो 3 जून 2022 से 11 जून 2022 तक, और उसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है 4 जून 2022 से लेकर 13 जून 2022 तक। फिर बाकी जो है CLC चरण में मध्यम प्रवेश की निर्देशिका जो भी हो सब वहाँ चेक किया जाएगा, ये सब डेट्स हैं, एक बार आप चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद है द्वितीय CLC चरण होगा, सेकंड राउंड जो है CLC, फर्स्ट राउंड CLC के बाद सेकंड राउंड CLC है। तो सबसे पहले तो आप फॉर्म भर सकते हैं, तो हर राउंड में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो उसमें सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, यानी महाविद्यालय का वरीयता क्रमांक देना होगा या चॉइस फिलिंग करनी होगी कि कौन सा कॉलेज आप लेना चाह रहे हैं, ठीक है। प्रायोरिटी वरीयता देनी होगी तो उसमें भर सकते हैं आप। नहीं किसी कारण से आप फर्स्ट राउंड में नहीं भर पाए हैं तो CLC प्रथम राउंड है फर्स्ट राउंड, CLC सेकंड राउंड में भी आप फॉर्म भी भर सकते हैं और चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है, लेकिन एक बार आप जो है इसको पूरा डिटेल में एक बार चेक कर लें। फिर CLC सेकंड राउंड की डेट है 13/6/2022 से लेकर 20/6/2022 तक, और पोस्ट ग्रेजुएशन में होगा 14/6/2022 से लेकर 21/6/2022 तक। फिर बाकी जो है वहाँ चरण चलेगा, फिर अपग्रेडेशन होगा और वहाँ से वेरिफिकेशन होगा, फिर ये सब चीज़ें चलेंगी, तो उसकी डेट है। फिर CLC जो है थर्ड राउंड, तृतीय CLC चरण, थर्ड राउंड जो है कॉलेज लेवल काउंसलिंग जो होगा थर्ड राउंड का, उसका नवीन पंजीयन एवं महाविद्यालय पाठ्यक्रम विशेष समूह का विकल्प देना एवं ऑनलाइन दस्तावेजों का सत्यापन, ये सब चीज़ें आपकी 22 जून 2022 से 26 जून 2022 तक होगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन में 23/6/2022 से 30 जून 2022 तक रहेगा। फिर वहाँ पर CLC में आप फॉर्म भरेंगे, फिर CLC के बाद वहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर उसको चेक किया जाएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, फिर आपका भुगतान का ऑप्शन वगैरह मिलेगा, तो इस तरह से वो होगा। तो इस प्रकार से आप जो है तृतीय चरण तक जो है सिलेक्शन के प्रोसेस हैं, तो आप उसमें प्रोसेस कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्म की डेट है बता दी गई है और पूरी प्रोसेस की डेट बता दी गई, तो एक बार आप
जो वेबसाइट है उसे विजिट करके चेक कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, यूजी और पीजी में एज की कोई लिमिट नहीं है, एज लिमिट हटा दी गई है, तो आप किसी भी उम्र के हों बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। पहला, दूसरा, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है, वेटेड है, तो उसमें भी आप प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो है उसके हिसाब से बाकी डिटेल आप चेक कर सकते हैं, और ये सब है, तो आप समय रहते जो है फॉर्म भरें। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।